अस्सलाम वालेकुम भाईवर, गिग इमेज डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है आप लोगों को रैंकिंग दिलवाने के लिए, इवन के आप लोगों को ऑर्डर दिलवाने के लिए। लेकिन जब मैंने आप लोगों की क्यूरियस को विजिट किया तो मैंने देखा 90% थंबनेल ऐसे थे जिन पर मेरा ही क्लिक करने का दिल नहीं चाह रहा था। और मैंने हालांकि आप लोगों की सर्विस को परचेज नहीं करना, मैंने इन्वेस्ट नहीं करना, लेकिन फिर भी मैंने उनको देखना भी नहीं ठीक समझा, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लग रहे थे। जब तक आप लोगों का थंबनेल प्रोफेशनल नहीं होगा तो आप लोगों को ना तो ऑर्डर मिलेगा, ना आप लोगों को रैंकिंग मिलेगी। आपको फाइवर का एल्गोरिथम बताऊं, जब आप न्यू सेलर होते हो फाइवर आपको ऑटोमेटिक प्रमोट करता है और आपकी गिग को दूसरे दूसरे सेलर्स, दूसरे दूसरे कंट्रीज के सेलर्स के पास बेचता है। और जब उन सेलर के पास आपकी गिग जाती है और उन पर कोई क्लिक नहीं करता तो आपको डी रैंक कर देता है फाइवर, क्योंकि फाइवर को पता चल जाता है ये प्रोफेशनल बंदा नहीं है, इस पर कोई क्लिक ही नहीं कर रहा, तो इसको ऑर्डर तो बिल्कुल ही मिलना नामुमकिन है। लेकिन कोई मसला नहीं, इन मिस्टेक्स को आप सुधार सकते हो। मैं आज आप लोगों को कंप्लीट थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। मैं अपने थंबनेल कैनवा में डिजाइन करता हूं और मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कैनवा में थंबनेल डिजाइन करना बताऊंगा कि आप अपने थंबनेल किस तरह डिजाइन कर सकते हो, कौन सी कलर कॉम्बिनेशन आप लोगों को यूज करनी चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको कौन सी कलर कॉम्बिनेशन यूज करनी है अपने थंबनेल में, क्योंकि थंबनेल में अगर अट्रैक्टिव कलर्स नहीं होंगे, पीके कलर होंगे, तो आप लोगों को उसका कोई फायदा नहीं है, उस पर बायर कभी भी क्लिक नहीं करेगा। थंबनेल के कलर कौन से रखने, कौन से अट्रैक्टिव कलर्स हैं, मैं आप लोगों को कुछ कलर बताऊंगा कि आप लोगों ने इन कलर्स को लाजमी अपनी गिग्स में यूज करना है अगर आप रैंकिंग भी चाहते हो, अगर आप ऑर्डर चाहते हो। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने अमल भी करना होगा। मैं आप लोगों के लिए अगर वीडियो बनाता हूं तो आप लोग उस पर अमल तो करते नहीं हो, अगर उस पर अमल नहीं करोगे तो फिर आप लोगों को ना ऑर्डर मिलेगा ना रैंकिंग मिलेगी, और आप यही कहते रहोगे कि सर मेरी गिग रैंक नहीं हो रही, सर मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहा। मैं आप लोगों को कुछ प्रोफाइल सिखाता हूं, आप लोगों को कुछ गिग्स विजिट करवाता हूं, कैसी गिग्स होनी चाहिए आप लोगों की, कैसा थंबनेल होना चाहिए, फिर मैं आप लोगों को डिजाइन करना बताऊंगा कि आपने थंबनेल डिजाइन कैसे करना है। फर्स्ट करो, मेरी एक गिग है वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन की, और मैं यहां पर अगर वर्डप्रेस सर्च करूं तो आप लोगों को दिखाता हूं जो टॉप पर आ रही है। पहली चीज तो ये है कि इन्होंने वर्डप्रेस के थीम को कॉपी किया हुआ। चलो वर्डप्रेस से रिलेटेड नहीं, मैं आप लोगों को टी शर्ट डिजाइन की गिग्स में दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ जब मैं टी शर्ट डिजाइन सर्च करता हूँ तो आप अगर देखो सबसे पहले आपका ध्यान इस गिग पे जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके कलर अट्रैक्टिव है और ये अभी टॉप पे रही है। अब मैं अगर स्क्रॉल करता जाऊं तो इस पे कम, आपका ध्यान इस पे ज्यादा जाएगा, और मैं अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं तो आपकी नजर इस पर जाएगी, क्यों, क्योंकि इनके कलर्स अट्रैक्टिव है, इन्होंने ऐसे कलर्स को यूज किया हुआ है। देखें ये कलर ऐसे कलर्स को यूज किया हुआ है जो आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आपने अपना थंबनेल कैसे बनाना, मैंने जब आप लोगों की क्यूरीज को सॉर्ट आउट किया तो मुझे पता चला है कि मैं वर्डप्रेस वेबसाइट से रिलेटेड थंबनेल बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो मैं यहाँ पर वर्डप्रेस सर्च कर लेता हूँ। थंबनेल बनाने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपने 3-4 गिग्स को देखना है कि टॉप पर जो गिग्स आ रही हैं उन्होंने किस तरह किया हुआ है। पहली चीज़ तो ये है कि इमेज यूज होनी चाहिए, सेकेंड चीज़ ये कि यहाँ पर डिफाइन होना चाहिए कि क्या आप अपने पैकेज में दे रहे हो, फिर आपके कलर्स अट्रैक्टिव होने चाहिए और वर्डप्रेस की थीम होनी चाहिए। तो मैं इसी को लेकर चलता हूँ, अपने डिज़ाइन में जाता हूँ कैनवा में। कैनवा में इमेज का साइज अगर आप देखो तो यहाँ पर आप गूगल में सर्च करो फाइवर गिग इमेज साइज, आपको प्री डिफाइंड साइज, अपना अपने मर्जी का साइज नहीं रखना। अब ये फाइवर का जो डिफाइंड साइज है वो ये है, लेकिन आपने इसको नहीं रखना। मैं आप लोगों को बताता हूँ आपने कौन सा साइज कॉपी करना है। आपने इस फॉर्म को खोलना है और ये लिखा हुआ है 1280x769, तो आपने इसी को कॉपी करना है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1280x769, ब्लैंक को आपने ओपन करना है। जब आपका ये ओपन हो जाएगा तो आपके पास साइड में कुछ थंबनेल प्री डिफाइंड शो हो जाएंगे, तो आपने इनको कॉपी नहीं करना। लेकिन ये देखें, ये टोटली वर्डप्रेस की थीम को थोड़ा बहुत कॉपी भी कर रहा है, आप इसको भी ले सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को अपना डिजाइन करना बताऊंगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने गिग्स को देखना है, तो पहले तो इन टेक्स को लेना है, एक टिक हमें चाहिए। तो वर्डप्रेस की थीम को डिजाइन करने के लिए पहले तो मैं इसके कलर को कर दूंगा इस तरह का कुछ ग्रेडियंट, ये मेरा वर्डप्रेस का कलर हो, ठीक है। इन्होंने पर्पल रखा हुआ, मैं इस तरह रख लेता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक लेना है, यहाँ पर टोटली मैं आप लोगों को फ्री में बताने वाला हूँ, कोई प्रीमियम चीज मैं यहाँ पर यूज नहीं करूंगा। आपने इस बॉक्स को लेना है और जिस तरह उन्होंने रखा हुआ है आपने इसको यहाँ पर रखना है। आप देखें अगर यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है, और एक बात याद रखिएगा, ब्लैक पर येलो टेक्स्ट बहुत ज्यादा नजर आता है, तो आपने इसे रखना है और यहाँ पर इसको लिखना है और इसको आप इस पर बीच में रखेंगे। यहाँ से इसका मैं फॉन्ट न्यू बोल्ड कर देता हूँ और टेक्स्ट का कलर मैं येलो कर दूंगा। ये वाला येलो सूट नहीं कर रहा तो मैं येलो कोई और ले लेता हूँ, यहाँ से मैं और येलो ये वाला कर दूंगा। अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है ये, मुझे वर्डप्रेस वेबसाइट वाजे नज़र आ रहा है। और नीचे एक और बॉर्डर है तो मैं इसी बॉर्डर को कॉपी पेस्ट, अल्ट दबाएंगे जब आप, तो आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये दूसरा कॉपी हो जाएगा। साइज इसका आप छोटा करें और थोड़ा सा गैप दे देता हूँ। अब इन्होंने लिखा हुआ फुल वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन, तो मैं भी इसी तरह लिख लेता हूँ फुल वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन। अब इसको आप साइज जो है वो अपने लिहाज से सेट कर सकते हैं, मैं यहाँ से इसको करके, अब ऊपर वाला टेक्स्ट मेरा येलो है तो ये मिक्स ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहाँ से वाइट कर लूँगा, एक अलग सी फीलिंग नज़र आएगी इसमें आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं ये पैकेजेस को कॉपी करने के लिए, मैं यहाँ से इसी टेक्स्ट को ले लेता हूँ
ताकि आप लोगों का टाइम भी बच सके और मेरा टाइम भी बच सके। तो मैं यहाँ से इसको कर दूंगा और यही समझ ले मेरा वो टेक्स्ट है जो इन भाई ने यूज़ किया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ ऐसे, और कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये उसी जगह पेस्ट होता जाएगा। अब है ये एस्ट्रा थीम का है और ये एलिमेंटर है और ये पता नहीं क्या है। मैं वर्डप्रेस का नहीं हूँ लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को इसमें नहीं समझ आए तो आप इसमें से जा सकते हो और इसमें देख सकते हो, या फिर कोई और थंबनेल भी आप कॉपी कर सकते हो। वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन फॉर वर्डप्रेस के लिए अच्छा, ये मेरा टेक्स्ट भी हो गया। अब आ जाती है इमेज, तो मैं ऐसा करता हूँ इस टेक्स्ट को मैं रख लूँगा इस साइड पर। जब आप एलिमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एंड में कुछ फ्रेम्स होंगे इमेज के लिए, तो मैं इस फ्रेम को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ और लार्ज कर लूँगा। ये मेरा फ्रेम हो गया। तो पिक मैं यहाँ से कोई भी अपलोड कर लेता हूँ। मैंने ये अपनी पिक अपलोड कर ली एक प्रोफेशनल सा थंबनेल बनाने के लिए, ऐड कर ली। और आप देख रहे हो ये वाला टेक्स्ट मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मैं पीछे का जो बैकग्राउंड है इसको चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई ऐसा बैकग्राउंड हो जिसमें मेरा टेक्स्ट नज़र आया। तो देखो पर्पल जो है ना बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है मुझे, और टेक्स्ट भी मुझे वाजे नज़र आ रहा है इस पर। ये कम्प्लीट हो चुका है और अब मैं इसके जो है ये कुछ इस तरह की आउट बना लूँगा, जिससे मुझे इस टेक्स्ट को मैं कम कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट थोड़ा मैं नीचे कर लूँगा, और इन्होंने अगर ये इस तरह नीचे किया हुआ है तो मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ कर लूँगा। वही मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ऐसे करके अपर की तरफ लेके जाऊँगा। और ये मेरी पिक्चर येलो है तो मैं इसको भी येलो कर दूँगा ताकि ये मैच हो जाए। अब ये मैच हो गया तो मैं गूगल में जाता हूँ, यहाँ सर्च करूँगा वर्डप्रेस, इमेजेस में जाऊँगा, टूल्स में जाके आपने टूल्स पर क्लिक करना, कलर में जाकर ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास PNG वर्डप्रेस आ जाएगी। तो आपने कोई भी PNG इमेज डाउनलोड करनी हो आप ऐसे यहाँ से कॉपी कर सकते हो, और यहाँ पर आप कंट्रोल वी करोगे वो इमेज आपकी पेस्ट हो गई। अब ये मेरी वर्डप्रेस में यहाँ रख देता हूँ। फिर मेरे पास इस तरह एस्ट्रा है तो मैं एस्ट्रा डाउनलोड करके तो कॉपी कर लिया है, और मैं अपनी गिग में जाऊँ तो देखें इन्होंने भी इस तरह किया हुआ। और ऑर्डर नाउ का बटन है तो मैं यहाँ पर ऑर्डर नाउ लगा दूंगा, या फिर आप टेक्स्ट को ऊपर करके इसको नीचे कर सकते हो इस तरह, और टेक्स्ट को आप ऊपर कर सकते हो कि आप अपने गिग में क्या दे रहे हो। ठीक है, ये मुझे कुछ ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है तो मैं इसको इसी तरह रख लेता हूँ। और एक क्रिएटिव सा बटन बनाता हूँ। बटन बनाने के लिए आप लोगों को इसी को कॉपी कर लें, या फिर आप एलिमेंट में जाके शेप्स में जाके और आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि बटन इस तरह का होता है ऑलमोस्ट। तो मैं इसको इस तरह करके और बटन का कलर पर्पल कर लूँगा, और ये पर्पल इसके ऊपर सूट कर रहा है। और इसको मैं लार्ज करके यही वाला टेक्स्ट ले लेता हूँ और इस पर लिखूँगा ऑर्डर नाउ। ये ऑर्डर नाउ का बटन भी मेरा लग गया है और प्रॉपर एक मेरे पास थंबनेल बनके रेडी हो चुका है मेरा पहला, यही टेक्स्ट हो गया। तो टेक्स्ट के पीछे टेक्स्ट जिस तरह इन्होंने लगाया है तो वो भी मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं अगर लिखूँगा करेक्ट तो मेरे पास करेक्ट वाले साइन आ जाएंगे, ये वाले, तो आप इनको ले सकते हैं। उन्होंने वाइट किया हुआ है तो मैं इसको भी वाइट कर दूंगा, और इस टेक्स्ट को मैं ब्लैक कर दूंगा, या फिर इसको वाइट कर दूंगा, इसको ब्लैक कर दूंगा। ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। कंट्रोल डी करूँगा, ये कॉपी पेस्ट हो गया और ये मेरे पास अट्रैक्टिव सा एक थंबनेल बनके रेडी हो गया। इनको मैं अलाइन कर देता हूँ और अब देखें एक प्रोफेशनल थंबनेल आपको लग रहा है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने अपने थंबनेल को भी बनाना है जिससे क्लाइंट को लगे वाकई एक प्रोफेशनल सेलर से मेरा रब्ता हुआ है और यही वो सेलर है जो मेरी हेल्प कर सकता है। एक प्रोफेशनल थंबनेल रेडी है। और इसी तरह आप काफ़ी सारे थंबनेल बना सकते हो। आप इन्हीं थंबनेल को कॉपी करो जिस तरह इन लोगों ने बनाए हुए हैं, इसी को कॉपी करो जिस तरह इन्होंने टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है, इस तरह इमेज यूज़ की हुई है, या फिर पीछे एक वेबसाइट बनाई हुई है। तो मतलब जैसे भी इन लोगों ने थंबनेल बनाए हुए हैं आप लोगों ने इन्हीं के थंबनेल को कॉपी करके अपना कुछ अलग सा बना देना है। जैसे मैंने ये जो चीज़ है ये मैंने फर्स्ट थंबनेल से लिया, अगर आप देखो तो ये चीज़ मुझे इसने इंस्पायर की है, इस चीज़ ने, इनके थंबनेल ने मुझे इस चीज़ से इंस्पायर किया तो मैंने यहाँ कॉपी कर ली। अब ये जो टेक्स्ट है ये भी मैंने इनका ही लिया है, लेकिन ये जो इमेज है ये मेरी इधर से कॉपी हुई है, मुझे ये अच्छी लग रही थी तो मैंने इस तरह ये वाला जो है सेक्शन ये देखें मैंने बिल्कुल इसी तरह किया है। ऑर्डर नाउ का बटन इन्होंने इसके नीचे लगाया हुआ, मैंने यहाँ लगा दिया। तो मतलब एक प्रोफेशनल सा वर्क लग रहा हो। देखो इन्होंने 348 ऑर्डर इसी थंबनेल से कंप्लीट किए हुए हैं, तो हमने भी अपना थंबनेल इसी तरह का कुछ बनाया तो हमें भी इंशाल्लाह ऑर्डर मिलेगा। और ज़्यादा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं, आप एलिमेंट में जाके जब आप शेप्स में जाओगे तो आपके पास तरह तरह की शेप्स मिल जाएंगी। आप इन शेप्स का किस तरह यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं इस क्लाउडी शेप को ले लेता हूँ और इसका कलर मैं कर दूंगा वाइट। तरह करने के बाद आपने इसके ओपेसिटी में जाना और इसको कम कर देना, मतलब कि इसको जितना आप खेल सकते हो थंबनेल के साथ। आपको जब तक अट्रैक्टिव नहीं लगेगा तब तक क्लाइंट को अट्रैक्टिव नहीं लगेगा।
तो भाई मैंने आप लोगों को कंप्लीट फायर गिग इमेज बनाना सिखा दिया। आप लोगों ने इसी तरह दूसरे सेलर्स को देखना है, लेवल वन लेवल टू वालों को आप जब कॉपी करोगे आपने उनको देख के अपना कुछ अनोखा थंबनेल बना देना है। और आप लोगों को जब तक आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, जब तक क्लाइंट को भी अट्रैक्टिव नहीं लगेगा तो उस पर ना क्लिक आएंगे, ना ऑर्डर आएंगे, ना उसको इंप्रेशंस मिलेंगे और फाइवर उसको डीरैंक कर देगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।